और मैम गेस्ट में ये दिक्कत भी है कि मान लीजिए कि पहले ही एक बहुत फिक्स सैलरी मिल रही थी से 89,000 और 90,000, हम उसको प्लान करने में पहले ही घर के खर्चों में दिक्कत थी या कुछ भी कि भाई नहीं अभी प्रमोशन हो रहा है या रोज़ तलवार लटकी रहती है, आज फिर जॉब के लिए जाना है, आज अब की बार अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अब तो सडनली ये पता चलता है कि जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं गेस्ट कर देंगे, तो फिर गेस्ट का मतलब क्या, एक वीक में एक लेक्चर या दो लेक्चर, तो मंथली हमें मिलेगा 30,000 और 30,000 में हमारे लाइवलीहुड एक्सपेंसेस कैसे मीट आउट होंगे। एंड सेकेंड, अब हम उम्र के इस मोड में आ गए हैं, से वी ऑल आर इन 40s 50s, तो हम दूसरी जगह पर जॉब के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही हमारे को डोलोड्रम सिचुएशन में ला दिया है कि हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, और जो हम इतनी अविश्वास में या इतना मतलब बिल्कुल हम डर के उसमें स्थिति में रहते हैं, सारे जो हमारे को इतने सारे हम कॉलेज में बिल्कुल और ज़्यादा काम करते हैं जो कि एक परमानेंट को करने चाहिए, उनसे भी हम ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी हमारे को यही डर रहता है कल हम जॉब में होंगे या नहीं होंगे, कल हम जॉब में होंगे या नहीं होंगे। तो जब हम खुद इतने डर में रहते हैं तो आगे हम स्टूडेंट्स को कैसे एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।